हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहम्मद जुबैर और मैं स्वागत करता हूं आपका मेरा यूट्यूब चैनल रिसर्च एरिया पे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेटाबेस कीज। जैसे आप जानते हो, कीज कई प्रकार की होती हैं, जैसे प्राइमरी कीज, फॉरेन कीज, कैंडिडेट कीज और सुपर कीज और भी होती हैं ना। मेन ये चार कीज होती हैं। तो आज के हम वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज कीज एंड टाइप्स। दोस्तों, हम यहाँ पर एक केस इन डेटाबेस की बात कर रहे हैं और टाइप्स ऑफ कीज की। क्या केस इन डेटाबेस में क्या होती है और कितने प्रकार की कीज होती हैं। सबसे पहले हमने एक टेबल्स यहाँ पर क्रिएट कर लिया, जिसमें हमने एक स्टूडेंट्स टेबल क्रिएट करा, जिसमें अंदर कई सारे एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स को यहाँ पर हम कॉलम्स बोलते हैं, जैसे एक रोल नंबर्स कॉलम्स है, नेम्स का कॉलम्स है, डेट ऑफ बर्थ कॉलम्स है, कोर्स का कॉलम्स है, फोन नंबर कॉलम्स है, ईमेल कॉलम्स है, एड्रेस कॉलम्स है, मतलब रोल नंबर एट्रीब्यूट्स, नेम एट्रीब्यूट, डेट ऑफ बर्थ एट्रीब्यूट्स, फोन नंबर एट्रीब्यूट्स, ईमेल एट्रीब्यूट्स और एड्रेसेस एट्रीब्यूट्स। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कीज इन डेटाबेस क्या होती है। तो कीज क्या होती है? कीज या तो सेट हो सकता है, सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स है। कीज एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स का सेट हो सकता है। एट्रीब्यूट्स मीन्स कॉलम्स का, विच इज यूज्ड, जो यूज की जाती है। कीज यूनिकली आइडेंटिफिकेशन, टेबल में कोई भी चीज को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कीज का यूज किया जाता है। कीज कई प्रकार की होती है, लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे चार कीज की। एक होती है पहला सुपर कीज, कैंडिडेट कीज, प्राइमरी कीज, फॉरेन कीज। सबसे पहले हम सुपर कीज के बारे में बात करेंगे। सुपर कीज सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स होता है। जो सुपर की होती है, ये एक या एक से ज्यादा कॉलम्स जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए रिकॉर्ड को टेबल में, वो कीज सुपर कीज कहलाती है। जैसे कि रोल नंबर, नेम, कोर्स, एड्रेस, ये हम इसे सुपर कीज मान सकते हैं हमारे टेबल से। मीन्स क्योंकि जो रोल नंबर है, मतलब इन सब चीज़ों में हमारे पास एक तो यूनिक एट्रीब्यूट्स होना ही चाहिए। हम एक से ज़्यादा यहाँ पर एट्रीब्यूट्स को सुपर की में, एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स को सुपर की बना सकते हैं, पर एट लीस्ट वन कॉलम्स तो यहाँ पर हमारा यूनिक होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास एक टेबल है, यहाँ पर हमने रोल नंबर को भी, नेम को, डेट ऑफ बर्थ, इन सबको हम जितने हमारे पास एट्रीब्यूट दिख रहे हैं कॉलम है, हम सबको कीज बना सकते हैं, पर एटलीस्ट एक यूनिक होना चाहिए, जैसे कि रोल नंबर। तो हमने यहाँ पर वही दिया। अब सेकेंड आता है हमारे पास कैंडिडेट की। कैंडिडेट बिल्कुल सुपर कीज के ही तरह मिलता जुलता है, विच नो कंटेंट्स, नो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स। यहाँ पर भी कुछ ज़्यादा एट्रीब्यूट्स कंटेन करने के, एक्स्ट्रा मतलब ज़्यादा नहीं, बट जो मिनिमम मतलब पॉसिबल एट्रीब्यूट्स हैं, मैक्सिमम पॉसिबल एट्रीब्यूट्स हैं जिसे हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल एट्रीब्यूट वो यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे कि रोल नंबर एट्रीब्यूट्स, फोन नंबर, ईमेल, ये सारे कैंडिडेट की कहला सकते हैं। आप चाहो तो एक एट्रीब्यूट्स को भी कैंडिडेट की मान सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल, यहाँ पर हमने रोल नंबर को लिया क्योंकि रोल नंबर सबके यूनिकली होते हैं। डेट ऑफ बर्थ को लिया क्योंकि डेट ऑफ भी मोस्टली लोगों की, पॉसिबली लोगों की अलग होती है। और हमने यहाँ पर ईमेल आईडी, फोन नंबर भी पॉसिबली अलग होते हैं, पर हमने क्या करा है, कोर्सेज तो ज़्यादातर मोस्टली लोगों का एक जैसा रहता है, एड्रेसेस एक जैसा रहता है, पर इन में से हमने एक ऐसा एट्रीब्यूट लिया जो अलग होता ही है, जैसे रोल नंबर। अब आती है बारी प्राइमरी की। प्राइमरी की इज एन एट्रीब्यूट। प्राइमरी की में एक ही हम एट्रीब्यूट्स लेते हैं जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए ईच रिकॉर्ड्स को, जैसे कि प्राइमरी रोल नंबर्स ना। इसलिए हम रोल नंबर को लेते हैं क्योंकि जो रोल नंबर, जो अपना प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स होता है, वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाता है ईच रिकॉर्ड को विद टेबल। रोल नंबर ऑलवेज यूनिक होता है, बट फोन नंबर, पर फोन नंबर हम इसलिए नहीं ले सकते, फोन नंबर हो सकता है कि यहाँ पर दो ब्रदर्स पढ़ रहे हैं जो आपस में यहाँ पर यूनिकली सेम नंबर्स होते हैं, इसलिए हम इनको नहीं लेते। हम ईमेल एड्रेस भी इसलिए नहीं लेते कि हो सकता है कि यहाँ दो ब्रदर्स हैं जिनका सेम ईमेल एड्रेस है, तो इसलिए उनका ईमेल एड्रेस भी हम सेम नहीं लेते। पर रोल नंबर्स ऑलवेज यूनिक होता ही है, इसलिए हम
प्राइमरी की में रोल नंबर्स को लेते हैं। तो मतलब प्राइमरी की हम उसे बोलते हैं जो ऑलवेज यूनिक हो, यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए ईच रिकॉर्ड को, तो वो प्राइमरी की कहलाता है। प्राइमरी की के बाद लास्ट आता है, हमने लास्ट यहाँ पर देखा है फॉरेन की। फॉरेन की क्या होता है? फॉरेन की आर एट्रीब्यूट्स इन टेबल्स। फॉरेन की वे एट्रीब्यूट्स होता है टेबल में जिसकी वैल्यू मैच करे अनदर टेबल की प्राइमरी नंबर से। मतलब फॉरेन की हम देखते हैं, फॉरेन की वे टेबल से, मतलब फॉरेन की हम उसे बोलते हैं कि एक टेबल की जो फॉरेन की है वो दूसरे टेबल की प्राइमरी की को मैच करे। मतलब दूसरे टेबल की जो प्राइमरी की है वो पहले टेबल की फॉरेन की बन सकती है ना। फॉरेन के कंटेंट डुप्लीकेट वैल्यू, फॉरेन की में हम डुप्लीकेट वैल्यूज भी रख सकते हैं और फॉरेन की नल वैल्यू भी हम हो सकती है फॉरेन की में ना। जैसे कि एक एग्जांपल है, हमारे पास दो टेबल्स हैं, एक एम्प्लॉइज टेबल और एक डिपार्टमेंट टेबल्स। तो हम क्या करेंगे कि डिपार्टमेंट्स टेबल्स के जो डिपार्टमेंट नंबर का जो एट्रीब्यूट्स है, जो प्राइमरी नंबर यहाँ पर डिपार्टमेंट नंबर को दिया है, वो एम्प्लॉय टेबल की फॉरेन की बन जाएगी। मतलब डिपार्टमेंट टेबल की जो प्राइमरी की है वो एम्प्लॉय टेबल की फॉरेन की कहलाएगी। और फॉरेन एम्प्लॉय टेबल में हम निल वैल्यू भी, जो फॉरेन की है वो निल वैल्यू भी हम जोड़ सकते हैं। यह हमारा फॉरेन की कहलाता है। फॉरेन की वैसे ही वर्क करती है जैसे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वर्क करता है ना। RDBMS हम करते हैं, वहाँ पर भी हम कई सारे टेबलों के बीच में रिलेशनशिप बनाते हैं फॉरेन की द्वारा। जैसे ये फॉरेन की हो गई और डिपार्टमेंट की जो प्राइमरी की है वो एम्प्लॉय टेबल की फॉरेन की। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे यूट्यूब चैनल सर्च एरिया वेस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं डॉक्टर मोहम्मद जुबैर आपके लिए ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियोस लाता रहूँगा। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।